हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ झरना सिंगल, योर बॉटनी टीचर। और आज हम लाइकेंस के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। लाइकेंस माइकोफाइटा एक ग्रुप होता है प्लांट्स का, जिनकी प्लांट बॉडी एल्गी और फंगल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जो कि एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मीनिंग है कि एक दूसरे को फायदा पहुँचाते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होता है इसको फाइकोबियोंट बोला जाता है, और जो इसका फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबियोंट बोला जाता है। जो ये टर्म दिया गया था लाइकेंस, सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने दिया था, और उन्होंने इसको जो डिस्कवर किया था वो ऑलिव ट्री के बार्क पर किया था, जिस पर कि इसकी सुपरफिशियल ग्रोथ हो रही थी। अगर हम लाइकेंस की बात करें तो इसके 400 जेनरा अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, 600 स्पीसीज डिस्कवर हो चुके हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन की बात करते हैं। अगर हम इसके हैबिट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉटिक कोलस। ये ऐसे लाइकेंस होते हैं जो कि ट्रीज की बार्क पर पाए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं ग्राफिस एंड पार्मेलिया। दूसरे हैं लिग्निकोलस लाइकेंस, ये वुड पर डायरेक्टली ग्रो करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है सिफेलियम। नेक्स्ट है आपका सेक्सिकोलस। ये जो लाइकेंस होते हैं ये रॉकी सबस्टेटम पर डेवलप होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पन। नेक्स्ट है आपका टेरिकोलस। ये लाइकेंस जो होते हैं ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया। अगर ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट पर हम बात करते हैं, क्योंकि फंगल कंपोनेंट ही इसमें मेन होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें फर्स्ट आपका आता है एस्कोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस वो लाइकेंस होते हैं जिसमें फंगल कंपोनेंट क्लास एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। जिम्नोकार्पी इसका फर्स्ट पार्ट है। जिम्नोकार्पी का मीनिंग क्या है, इसमें जो भी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो कप शेप्ड होती है, और इसको एपोथीसियम बोला जाता है, और इसका एग्जाम्पल है पार्मेलिया। इसका सेकेंड पॉइंट है पायरिनोकार्पी। पायरिनोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो फ्लास्क शेप्ड होती है, इसको पेरिथीशियम बोलते हैं, और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसको डर्मेटोकार्पन बोला जाता है। इसका थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है ड्यूटेरोलाइकेंस। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो फंगल कंपोनेंट जो होता है वो क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, और इसीलिए इन लाइकेंस को ड्यूटेरोलाइकेंस बोला जाता है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे लाइकेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लेप्रोज लाइकेंस, नेक्स्ट होता है क्रिस्टोज लाइकेंस, और थर्ड होता है फॉलियोज लाइकेन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेप्रोज लाइकेंस। ये जो लाइकेंस होता है इसमें फंगल हाइफी जो होती है, जो बीच में एल्गल सेल्स होती हैं उसके चारों तरफ एक क्लस्टर टाइप का बना लेती है, और ये सबस्टेटम पर पाउडरी अपीयरेंस देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेप्रेरिया इन कैना। नेक्स्ट है आपका क्रस्टोज लाइकेंस। अब आप इसका डायग्राम देखिए। इस लाइकेंस में थैलस जो होता है इतना ज़्यादा सबस्टेटम से एडहर्ड हो जाता है, जुड़ जाता है, कि एक क्रस्ट लाइक जो पपड़ी होती है उसकी तरीके का अपीयरेंस देता है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्टेरिगुला और डायमेरिलिया। नेक्स्ट देखिए डायग्राम देखिए फॉलियोज लाइकेन का है। फॉलियोज लाइकेन में देखिए आपको एपिथीसिया लग रहा है, ये फॉलियोज लाइकेन है। अगर हम फॉलियोज लाइकेन की बात करते हैं तो ये थैलस जो होता है इसमें बिल्कुल फ्लैट होता है, और लीफ लाइक का होता है, बिल्कुल पत्तियों की तरह होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस्ड होता है, लोब्ड होता है सबस्टेटम से जो अटैच होता है। ये राइजॉइड्स टाइप के इसमें स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि राइजीन्स बोला जाता है। अगर इसको हम बाहर से देखें तो क्रिंकल्ड फॉर्म में होता है, और बिल्कुल ट्विस्टेड लीव्स जो एक दूसरे में उलझी हुई लीव्स होती हैं उनकी तरह दिखाई देता है। और ये फॉलियोज लाइकेंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है का होमो आइजोमेरस, सेकेंड होता है हेट्रो आइजोमेरस। अगर होमो आइजोमेरस की बात करें तो इस एल्गी में जो एल्गी जो होती है इस लाइकेंस में वो पूरे थैलस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अगर हम हेट्रोमेरस की बात करें तो इसमें एल्गल सेल जो होती हैं उसकी अलग लेयर होती है, और फंगल सेल की अलग लेयर होती है, और इसका एग्जाम्पल है पार्मेलिया। और इसमें सी टाइप का जो होता है थर्ड जो पार्ट है इसका फ्रूटिकोज है। फ्रूटिकोज का देखिए आप डायग्राम देखिए, ये जो लाइकेंस होती हैं बेल ब्रांच होते हैं, इसमें ब्रांचेस देखिए निकली हुई हैं, जनरली इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, पेंडुलस जैसे गले में पेंडल आपका पड़ा रहता है उस तरह का नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं, और ये श्रबी अपीयरेंस देते हैं, श्रब टाइप का अपीयरेंस देते हैं। और अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उसनिया और क्लेडोनिया इसके